रंका से प्रमोद कुमार यादव की रिपोर्ट। रंका क्रूरता के साथ 35 भैंस ले जा रहे कंटेनर एवं चालक उपचालक को रंका थाना प्रभारी की सूझबूझ से बजनवा घाटी से पकड़ा गया। संबंध में बताते चले कि भैंस व्यापारी के तस्कर करने वाले लोग भैंस को लुका छुपाकर बाहर ले जाकर बेच रहे हैं, जिसकी गुप्त सूचना रंका थाना प्रभारी को मिली थी। थाना प्रभारी की सूझबूझ से भैंस ले जा रहे चालक उपचालक पकड़े गए। इस संबंध में रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि छत्तीसगढ़ से भैंस गढ़वा की ओर जा रहे थे, जो बजनवा घाटी पर चेकिंग लगाया गया था, जो चेकिंग के दरमियान कंटेनर गाड़ी नंबर UP70GT0250 को खोलकर देखी गई, जिसमें भैंस को क्रूरता की तरह कैद कर भैंस ले जा रहे थे, जिससे पशु अधिनियम के तहत गिरफ्तार करते हुए चालक उपचालक को न्यायिक हिरासत गढ़वा भेज दिया गया है। की ओर से एक कंटेनर जिसका पंजीयन संख्या है UP70GT0250 छत्तीसगढ़ से की ओर से आ रही है, जिसमें क्रूरता पूर्वक पशुओं को लादकर व्यापार करने की बात सामने आई। जिस संबंध में थाना में सरहा दर्ज करते हुए उसका सत्यापन तो प्रस्थान के सशस्त्र बल के साथ रंका स्थित बजनवा घाटी में हम लोगों द्वारा चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के क्रम में उक्त वाहन को रोका गया, तो पुलिस बल को देखते के साथ ही उक्त वाहन के चालक एवं उपचालक भागने की कोशिश किया गया, जिससे सशस्त्र बल की सहायता से गिरफ्तार किया गया, पूछताछ किया गया, जिसमें यह बात सामने आया कि इसमें 35 ऐसा लौट है जिसे कानपुर के लिए भेजा जा रहा था, और जिसको कॉल करके देखा गया तो उसमें देखा गया कि सभी जानवरों को मतलब क्रूरतापूर्वक से लौट किया गया है और उसको बाहर ले जाया, गला और कुछ पीछे और आगे दोनों से बांध करके ले जाया जाता है। चूँकि कंटेनर एक है जिसमें से अधिक जानवर जाने जाए तो अगर यदि नियमतापूर्वक तो 10 से 15 जाए, लेकिन उसमें 35 जो लगभग 5 लाख के अवैध कारोबारी हैं, उनसे मेरा यही संदेश रहेगा कि इस प्रकार का काम नहीं करें, करते हैं तो आप पुलिस से निपट सकते हैं। रंका से प्रमोद कुमार यादव की रिपोर्ट। रंका प्रखंड के विश्रामपुर पंचायत के ढेंगुड़ा आवासीय विद्यालय में वन विभाग के द्वारा नर्सरी लगाने का छात्र छात्राओं को दी गई प्रशिक्षण। इस संबंध में बताते चले कि पर्यावरण को शुद्ध बनाने को लेकर सरकार के द्वारा हर विद्यालय में नर्सरी लगाने का प्रावधान आया है, जिसे लेकर आज रंका प्रखंड के विश्रामपुर पंचायत के कुद्रुम गाँव के ढेंगुड़ा आवासीय विद्यालय में छात्र छात्राओं को रंका वनपाल राजीव पांडे के द्वारा नर्सरी लगाने का विधि बताया गया। इस संबंध में वनपाल राजीव पांडे ने बताया कि विभाग के द्वारा हर विद्यालय में पौधा लगाना है, जिसे लेकर आज नर्सरी लगाने को लेकर छात्र छात्राओं को बतलाया गया, ताकि वह अच्छे से नर्सरी लगाकर पौधे को बचाए एवं पर्यावरण को शुद्ध करे, जिसे लेकर आज विश्रामपुर पंचायत के कुद्रुम गाँव के ढेंगुड़ा आवासीय विद्यालय में छात्र छात्राओं को नर्सरी संबंधित जानकारी दी गई। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य शैलन कुमार सिन्हा, वनरक्षी पास्कल होरो, वनरक्षी राहुल कुमार, रामाधर यादव एवं अन्य शिक्षक गण मौके पर उपस्थित थे। बालू रहेगा, तीनों का मिक्स होगा, उसको चलने से चलना होगा, बिल्कुल महीन रहेगा, तो पहला चरण में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद जो है ट्यूब वगैरह सब आएगा, तब जो है बताएंगे। यस, और सबको रहेगा कि हमको इतना ट्यूब को सजा देना है, अपना अपना जो है। यस सर। और हमारे अधिकारी लोग आएंगे। यस सर। तो जितना बताए हैं उतना समझ गए। यस सर। अभी हम लोग को क्या करना है, बेड तैयार करना है। बेड का लंबाई कितना होता है, 40 चौड़ाई कितना होता है, 40 4 फीट होता है, ठीक है। कोई अधिकारी आकर के पूछेगा कि बेड का